क्वेश्चन नंबर होगा 5। लिखा हुआ है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। तो कभी ना कभी हम लोग झील में पत्थर डाले हुए, पानी में जब पत्थर डालते हैं तो देखिए तरंगे गोलाकार गोलाकृति बढ़ते जाता है ना है, पहले डालते हैं तो गुप्त पड़ता है उसके बाद वो बढ़ते जाता है। लेकिन तरंगे जो है इस वृत्त में बोल रहा है कैसे जैसे तरंगे तो ऐसे ना बढ़ेंगी है, ऐसे ऐसे इधर की तरफ बढ़ रही, वही ना उसको गोल बना रहा है, तरंगे उसको गोल बना रहा है। तो बोल रहा है कि एक एक स्थिर झील में एक पत्थर डाले तो क्वेश्चन नंबर कितना है 5। कितना है 5 क्वेश्चन नंबर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, यानी कि dr/dt हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? dr/dt 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। लाइए ना हाथी में ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो देखिए ये इसका क्षेत्रफल कैसे बढ़ रहा है, तो dA/dr क्षेत्रफल किस गति से बढ़ रहा है, dA/dt पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? dA/dt पूछ रहा है। तो एरिया हमको निकालना है, जबकि त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या क्या दिया हुआ है इसमें, त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, r जो है वो 8 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है ना। तो देखिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो dA/dr क्या हो जाएगा, dA/dt, बार-बार r कह दे रहे हैं, नहीं देखिए पाई तो कांस्टेंट है, 2πr dr/dt कर देंगे है? अब देखिए dA/dt इज इक्वल टू 2πr, और dr/dt कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना, तो 5, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो dA/dr हमारे पास हो जाएगा कितना, 10πr हो जाएगा। अब वही बोल रहा है कि dA/dr एट r इज इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर पर, इसको मिटा दे रहे नहीं समझाएं, क्या हो जाएगा 10πr इंटू r की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 80πr। पाई की वैल्यू तो रखने की जरूरत शायद नहीं है, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आर आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसका आंसर मिला लेते हैं, नहीं सही है आप लोग देख लिया है, चलिए तो 6 नंबर देखा जाए। 6 नंबर बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि यहां पे dr/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यही ना दिया हुआ है, है? इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, r बराबर कितना है 4.9 सेंटीमीटर, आपकी परिधि में परिवर्तन बता रहा है, ठीक। तो परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस सी पूछा था, यानी कि dC/dt हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले तो सी क्या होता है, 2πr होता है, हैं? तो dC/dt क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा, पाई ऐसे रहेगी, कांस्टेंट टर्म है, आर क्या हो जाएगा dr/dt हो जाएगा,
तो अब देखिए 2 पाई dr ओवर dt कितना दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है ना। दिस इंप्लाइज दैट dc ओवर dt, ठीक है, 2 पाई r, तो dc ओवर dt कितना हो जाएगा, 7 × 14 1.4 पाई है ना। अब देखिए सेंटीमीटर है ना, अब पर सेकेंड, हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यहां पे भी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड के रिस्पेक्ट में था, ठीक। अब यहां पे ये क्या कह दिया हुआ, इसका तो यूज ही नहीं हुआ, हाँ यूज हुआ लेकिन बुक में दे दिया हुआ है, क्या है ऐसा सोचिए तो जरा, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ है, आंसर से मतलब तो ही ना, पहले समझना होगा ना, मान लीजिए कि एग्जाम में आ जाएगा तब है ना, तो ये इसलिए नहीं दिया कि ये जो है यहाँ पे तो आर जो है वैनिश हो जा रहा है, आर खत्म हो जा रहा है, आर अगर रहता तो हम लिख देते कि आर की वैल्यू रख देते, इसका मतलब ये है कि आर कुछ भी रहे बढ़ेगा वो इसी रफ्तार से, आर कुछ भी रहे आर पर डिपेंड नहीं है, इसका मतलब यही कि ये आर पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत की लंबाई x, पहले दिया हुआ है आयत की लंबाई x दे ही दिया हुआ है, ठीक है, मानने वाले वाली बात नहीं है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, लो ये तो घट रही है, ठीक है, dx ओवर dt, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, जब x 8 सेंटीमीटर हो और y 6 सेंटीमीटर हो तब आयत के परिमाप प्रक्षेत्र पर इसमें 2 को दे दिया हुआ है, नहीं ठीक। तो पहले देख लीजिए हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले तो dx ओवर dt दिया हुआ है, ये x जो है लंबाई हमारी, क्या है x लंबाई है, ठीक है, चूंकि लंबाई घट रही है इसलिए -5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर मिनट ये घट रहा है इसलिए घटने का निशान है माइनस, ठीक। dy ओवर dt दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है 7 नंबर में, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, चूंकि ये बढ़ रहा है इसलिए यहां पे ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब देखिए ये बोल रहा है कि आयत का परिमाप निकालने के लिए ए नंबर, मतलब किस दर से बढ़ रहा है, यही ना ए नंबर इसमें देख लिया जाए, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप यानी कि सी इज इक्वल टू पेरीमीटर, यहां पे कहेंगे तो उसमें ना परिमाप तो परिधि उसमें होता है वृत्त में, ये पेरीमीटर पी कह देते हैं, ठीक। क्या होता है आयत का परिमाप, पेरीमीटर कितना होता है 2l+b, यही ना होता है, 2l+b यानी x+y, यही हो गया, ठीक। अब देखिए dp ओवर dt ये तो 2x हो गया, तो 2x का करेंगे तो 2 dx ओवर dt प्लस 2 dy ओवर dt, ये हो जाएगा। अब dx ओवर dt का वैल्यू दिया हुआ है ना, dp ओवर dt इज इक्वल टू 2 × -5 प्लस 2 × 4, तो 5 × 4 × 2 तो -2 क्या सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, परिमाप इसका घट जा रहा है, रखने उखने की जरूरत वैल्यू है नहीं, जो कि दिया हुआ है यहां पे
कि एक्स इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, वाई इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, एक्स और वाई बच ही नहीं रहा तो रखेंगे क्या, नहीं ना रख पाएंगे। इसको इतना नोट कर लीजिए 7 का ये तक, और बी हम लोग अभी इसके बाद करते हैं, ठीक। आंसर भी देख लीजिए 7 का ए का। अब देखिए इसमें हमको बी नंबर में अब क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पे देखिए अब बताइए आप कि क्षेत्रफल के लिए एरिया लिखेंगे, ठीक। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स इंटू वाई, यही ना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई है। अब देखिए डीए ओवर डीटी अगर हमको निकालना होगा तो फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड एज इट इज, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डीएक्स ओवर डीटी और सेकेंड एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इसका निकाल दीजिए तो डीवाई ओवर डीटी हो जाएगा और फर्स्ट एज इट इज हो जाएगा, नहीं। अब दिस इंप्लाइज दैट डीए ओवर डीटी इज इक्वल टू वाई, डीएक्स ओवर डीटी कितना दिया है हमारे पास, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ, वो बाद में हम लोग देख लेंगे, नहीं, प्लस प्लस एक्स ऐसे ही रह जाएगा, डीवाई ओवर डीटी दिया हुआ है फोर इंटू फोर, तो मिला जुला के ये हो गया डीए ओवर डीटी इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई प्लस फोर एक्स, यही हो गया ना। अब एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे जो कि दिया हुआ है, डीए ओवर डीटी एट एक्स इज इक्वल टू कितना, कितना दिया हुआ भाई, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर, तो माइनस फाइव इंटू एट प्लस फोर इंटू सिक्स कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 जोड़ 6 चौके 24, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 में से 24 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16, माइनस में कि प्लस में, माइनस में 16 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, ठीक है। दिस इज आर आंसर, इस आंसर को थोड़ा सा मिला लीजिए, हालांकि सही होना चाहिए। कोई इधर वाला मिटाएं, क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करें। दो सेंटीमीटर आंसर है इसका, माइनस फाइव इंटू सिक्स, ये 8 है, अच्छा वाई इधर है ना, तो माइनस फाइव इंटू सिक्स हो जाएगा और यहां पे 8 हो जाएगा, तो 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग रखा गई, नहीं, और 8 छक 48, तब तो ज्यादा हो गया, अब घटेगा उठेगा नहीं, अब तो बढ़ ही जाएगा, अच्छा ठीक है, 8 चौके 32, ठीक है, 8 छक 48 कर देते हैं, 8 चौके 32, देखिए 8 छक 48 इसी में गुणा कर दे रहे हैं, नहीं इसको छोड़ ही दे रहे हैं बीच में, तो ये देखिए 30 और 32 फिर भी ज्यादा है, तो 2 क्या सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है ना था, पर मिनट के हिसाब से बढ़ रहा है, पहले घट रहा था, पहले आंसर आया था तो उसमें घट रहा था।